हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना एक चैलेंज चल रहा है, मुझे जोमेटो में काम करके 90 दिन में 1 लाख रुपए कमाना है। आज अपना डे 46। आज यार मैंने अपनी की वही सुबह 9 से 11, 11 से 12 ब्रेक, 12 से 6, 6 से 7 ब्रेक और 7 से रात 10 बजे तक बुक करके रखी है। और देखते हैं कि यार आज कितने का पेट्रोल लगता है, कितने का काम होता है, सारा कुछ आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग वाले पार्ट में पता लग जाएगा। मोटो ब्लॉगिंग वाला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। हम लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है, कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ मोटो ब्लॉगिंग वाले पार्ट में होता है, सो मिस मत करना। और यार लास्ट एक दो वीडियो से जो अपनी दिक्कत आ रही थी ना, कि आवाज़ काफ़ी आगे पीछे हो रही थी जब भी मैं अपने फेस के साथ वीडियो बनाता था। एक्चुअली इंट्रो और आउट्रो मैं अपने मोबाइल से शूट करता था, लेकिन आज मैं अपने गोप्रो से ही शूट कर रहा हूँ। देखते हैं कि यार आज वो चीज़ सॉल्व होती या नहीं होती, कमेंट करके बता देना कि सारा कुछ सही चल रहा है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो तो देख नहीं सकता ना। अपनी वीडियो देखते हैं तो YouTube पर थोड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। कमेंट वगैरह मैं रीड करता रहता हूँ। और यार जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आज हम एक टारगेट रख लेते हैं कि 100 लाइक और 50 कमेंट अपनी वीडियो पर करने हैं। ये आप लोगों के हाथ में मैंने दे दिया बटन लाइक और कमेंट का, कर देना यार। तो मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉगिंग मोड में। सर पूरे 9 बजे गाड़ी लोगों की थी, 9:02 पर अपने पास ऑर्डर आ रहा है। 1.8 किलोमीटर का पिकअप है, 4.2 किलोमीटर का ड्रॉप है, कुलचा लैंड। चलो पिक करने चलते हैं यार। रुमाल वगैरह बांध लूं हेलमेट के नीचे पहले। रुमाल वगैरह बांध लिया यार, उससे पता क्या है, हेलमेट मेरा थोड़ा ढीला है, उससे थोड़ा फिट रहता है। ऊपर से कैमरा लगा हुआ है ना, तो वो नीचे को झुकता रहता है। फिर अगर मैं रुमाल वगैरह नहीं बांधता तो ऐसे होता रहता है वो, फिर व्यू सामने का सही नहीं आता, हिलता जुलता रहता है। इस वजह से अपन ये बांध लेते हैं यार। और यार आज वही यार 325 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे 25 ऑर्डर डिलीवर करने पर। लेकिन 25 ऑर्डर भाई आज मैं सुबह 8 बजे नहीं आया, पता नहीं निकलवाएंगे पता नहीं। नहीं अपनी तरफ से तो कोशिश रहती है कि निकालेंगे, अगर तो अपना काम निकलेगा बढ़िया, ठीक है ना, तो हम 6 से 7 रखेंगे ब्रेक। अगर काम अटकता हुआ दिखेगा फिर हम 6 से 7 ब्रेक नहीं रखेंगे। वैसे मेरा हर बार निकल जाता है काम, बट आज देखते हैं, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता ना, प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे जैसे मैं जो भी प्लानिंग करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि मैं ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे नहीं तो ऐसे करके अपना 25 ऑर्डर कंप्लीट कर सकता हूँ। साथ साथ में प्लानिंग अपनी चलती रहती है भाई, इसी की कसर बाकी थी। सामने ही फाटक लग गए यार, अभी यहाँ पर रुक करके ट्रेन का वेट करना पड़ेगा अपने को। इधर वाला भी खोल दे मेरी जान। सामने लाकर ला रहे हैं साइकिल वाइकल, फिर कहेंगे बीच में मारा। जब पता है कि इधर से बंदे जा रहे हैं, उधर से साइड में लगा लेना। बिल्कुल ही सामने रख दिया साइकिल, खड़ा कर दिया, हल्का सा उसकी बाजू पर टच तो हुआ बाइक मेरा। 10 मिनट के करीब टाइम इधर भी लग गया यार, 10 मिनट रेलवे क्रॉसिंग पर लगे। 9:21 हो गए, 9 बजे ऑर्डर मिला था अपने को, पिक ऑर्डर कर लेते हैं इधर से। भाई दशमेश नगर जाना है, उधर से पता नहीं कौन उठाएगा आज, तो भाई 4 ऑर्डर मुश्किल लग रहे हैं, बिकॉज थोड़ा काम फंसता हुआ नजर आ रहा है। 20-25 वाले ऑर्डर चाहिए, 1-2 रेडी चाहिए। निकलना जी इधर जी। और बढ़िया जी, सच बताऊं मैं नहीं जानता था कौन है, लोल। सो यार कैश कलेक्ट कर लिया, ऑर्डर डिलीवर कर दिया। पहले ऑर्डर को बहुत टाइम लग गया यार, 10 मिनट रेलवे क्रॉसिंग पर लगे, 7 मिनट रेस्टोरेंट वाले ने लगाए, 5-7 मिनट कस्टमर ने लगा दिए पैसे लेकर आते। यही चीजें होती हैं भाई, यही चीजें तो हमारा टाइम खराब करती हैं भाई। लोग समझते ही नहीं है, इतना समझा करके थक चुका हूँ कि भाई टाइम मत खराब करो, टाइम मत खराब करो, लेकिन नहीं, हमें तो टाइम खराब करना है राइडर का। अभी यार गिलचोंग साइड हूँ मैं ऊपर से लेके जा रहा हूँ सीधा, अगर ऑर्डर पड़ेगा आगे से घूम करके आ जाऊंगा। वैसे भी तो ये सराबा नगर से उठा ही लेते हैं, ऊपर चढ़ाया ही था कि अपने को ऑर्डर ही आ गया, 49 रुपये का एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऋषि ढाबा एंड के यहाँ से बैक होकर के लेके जाना पड़ेगा। ये रहे 12 दही, ये लेकर जाने हैं यार, बस सही सलामत डिलीवर हो जाए ये ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा बड़ा है। इधर से पिक भी कर ही लेते हैं यार, पिक ऑर्डर डन, इसको बैग में ढंग से रख लेते हैं। अरे 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 ये कैसे आ रहा है यार बैग में, सही है, ध्यान से लेकर जाना पड़ेगा।
टाइम बहुत लगा दिया यार, 12 दही थे 15-20 मिनट लगा दिए। सो यार होटल A7 की लोकेशन डाली हुई है, रीच ड्रॉप कर देते हैं, कॉल कर देते हैं यार। अब क्या बोलूं यार मैं कस्टमर को, देखो लोकेशन डाल रखी है होटल A7 की, अभी 1 किलोमीटर आगे से घूम के जाऊंगा, जाना है होटल जेहान। भाई एड्रेस में लिख दो होटल जेहान में आना है, किलोमीटर फालतू क्यों घुमाते हो, दिमाग खराब कर देते हैं यार, दिमाग खराब। ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं, अब क्या बोलूं। देखो होटल जेहान में बुलाकर भी कह रहा है इधर नहीं आना, जब मैं पूछ करके आया हूँ होटल जेहान के पास आना है, उसने बोला हाँ इधर ही आना है, तो फिर इधर से दूसरी साइड क्यों बुला रहा है यार। हाँ ओके चलो यार, ऑर्डर डिलीवर कर दिया जी वाला। 1 hour later। सो यार 11 से 12 अपनी ब्रेक थी, 12 बजे आड़ी लॉगिन की थी, 12:08 पर ऑर्डर आ गया भाई, 79 रुपी का 8.8 किलोमीटर का ड्रॉप है। चलो ब्रो मिलते हैं फिर शाम 6 से 7 बजे के बीच में। 4 ऑर्डर ही हुए हैं भाई, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अपना टारगेट रहता है कि 4 ऑर्डर लगाने हैं 9 से 11 के बीच में। 4 ऑर्डर भाई लगा दिए मैंने जैसे तैसे करके, लगभग 2 घंटों में मैंने 4 ऑर्डर डिलीवर करके 161 रुपये की अर्निंग कर ली भाई, जो कि बहुत ही बढ़िया है यार। अभी चलते हैं वोक सिंह से ऑर्डर उठाने। यार नेट पर बारिश लिखी हुई है आज 2 बजे से 5 बजे तक, और ऊपर बादल भी आ गया भाई काला काला, बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। वोक सिंह से आगे तो नहीं निकल गया मैं बातें करता करता, नहीं आ गई है, अभी आ गई है भाई। बारिश आ गई ना, अगर 9 ऑर्डर बारिश में लगा दिए तो 325 वाला ऑफर अपना 425 का बन जाएगा, प्लस 100-120 रुपये के करीब जो बारिश में एक्स्ट्रा मिलेगा वो हो जाएगा, फिर अपन की अर्निंग 1700-1800 के करीब हो सकती है। ऑर्डर अपना मिल गया यार, यार ये बहादुर के रोड पे जाना है, 45 मिनट आने जाने को लगेंगे इधर, बिकॉज थोड़ा रश वाला एरिया है और बहादुर के रोड के अंदर जाना है यार काफ़ी। 9-9.5 किलोमीटर बता रहा है, 9.4 किलोमीटर बता रहा है, 8.8 किलोमीटर शो किया था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जल्दी से जाएंगे जल्दी से आएंगे। 12:21 हो गए, इधर भी टाइम लग गया यार, खींचना पड़ेगा यार अब काम, बिकॉज 25 ऑर्डर कल तो ईजी था, आज ऐसा ना हो कि काम अटक जाए अपना। आज थोड़ा मेरे को टफ लग रहा है क्योंकि लंबा फेंक दिया ना सुबह सुबह, एटलीस्ट एक बार काम निकला हो फिर लंबा फेंके ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अगर सुबह सुबह लंबा फेंक देता है, सुबह सुबह नहीं मतलब जब काम कम निकला हो फिर लंबा फेंक देता है, फिर ऐसे लगता है कि भाई काम अटकेगा अपना आज, भले ही निकल जाए बट एक बार अपने को नज़दीक लगना होता है, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाते हैं। 1 घंटे में एक ही ऑर्डर निकला यार, क्योंकि 15 मिनट वापस जाने को भी लगेंगे। 12:46 हो गए, बहुत जाम था यार रास्ते में, लंका लगी मेरी अच्छी खासी, अभी वापस भी उसी रास्ते से जाना है। 83 मिले हैं, 7-8 रुपये ऊपर से, भाई 90 रुपये के करीब मिलेंगे भाई 9.9 किलोमीटर के। सो यार इधर क्लॉक टावर की तरफ आ गया था मैं, यहाँ से 50 रुपये का ऑर्डर आ रहा है मेरे पास, 2 किलोमीटर का पिकअप है, 5 किलोमीटर का ड्रॉप है, चावला 2। भाई है किधर ये, पहले तो मैप लगा लेते हैं, चावला 2 में भी भाई चिकन चुकन वाली शॉप है इसकी। ओके सीधा जाके इस साइड में है चावला 2, चलो पिक करते हैं, होप्स हो के हमारे जोन का ऑर्डर होगा, बाकी देखते हैं भाई। सो यार ऑर्डर अपना अब जा कर के रेडी हुआ, पिक मार कर लेते हैं इधर से। ये भाई अपने को टैगोर नगर में जाना है, DMC हॉस्पिटल में, रेडी करके कितनी देर का रखा हुआ था, एक अचार नहीं डाल रहे थे रेस्टोरेंट वाले, अचार डालने की वजह से 10 मिनट लेट कर दिया। चलो डिलीवर करते हैं जाकर यार, आज थोड़ा लेट ही चल रहा है काम अपना, थोड़ा खींचना पड़ेगा यार बाइक अब मेरे को, तभी बनेगी बात अपनी। कमलजीत नाम तो फिर अलो रे, थैंक यू, ऑर्डर डिलीवर मार कर देते हैं। 1:18 हो रहे हैं भाई, ऐसे ही होता है ना जब खींच करके काम करने का मूड हो। अगला ऑर्डर भी आ गया भाई, सरदार जी रसोई, DMC के पास में तो हूँ मैं, DMC ही उठाने जाना है मेरे को। ऑर्डर तो भाई अपना मार्क हो गया रेडी, प्लेन नान ते और कढ़ाई पनीर, ठीक है ना। 400 मीटर दूर जाना है यार, हीरो हट में जाना है डिलीवर करने, टाइम हो रहा है 24 मैक्सिमम 35, 10 मिनट रख लेते हैं क्योंकि कस्टमर आने को कई बार टाइम लगा देता है यार। भाई टाइम हो रहा है 1:28, 4 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर, डन डन डन। इधर से निकलते हैं DMC हॉस्पिटल से बाहर, इधर से ही है ना, हाँ भाई इधर से ही है, इधर से अब कॉलेज रोड समोसे वाले के चांस बन रहे हैं कि उठा ले हमें सरदार जी मलाई चांप। भाई ये भी उधर ही है, 30 रुपये का ऑर्डर है, नाइस, 2 किलोमीटर ड्रॉप है।
तो यार इधर ऑर्डर उठाने आया था, इधर अपना भाई मिल गया अनिल देखा होगा इसकी हेल्प की थी हमने, है ना। बाकी हम लोग खाते पीते रहते हैं, ऑर्डर वगैरह कैंसिल होता है ना, आज भी कैंसिल हुआ था छोले भटूरे, पिक ऑर्डर कर लेते हैं, ऑर्डर मिल गया। 1.8 किलोमीटर जाना यार, कितने ऑर्डर लग गए, ऑर्डर कितने लग गए? ऑर्डर पांचवा या छठा होना मेरे ख्याल से। वाह जी वाह, मेरे से ज्यादा खींची यार काम। क्यों मारा कहीं मारा शेयर भी कर रहे हैं, मेरे को दूर दूर भेज रहे हैं ना। सर कितने ऑर्डर हो गए आपके? मेरा ये 8वां ऑर्डर है। चलो ठीक है, चलो भाई 1.8 किलोमीटर जाना है सारा। 1.8 किलोमीटर शो किया था बट 2.5 किलो बन गया, ये जादू मंत्र हो गया। ऑर्डर डिलीवर कर दिया ये वाला भी, टोटल 8 ऑर्डर हो गए अपने और अभी पौने तो हुए हैं भाई, 15 मिनट पड़े हैं 2 बजने में, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आधा ऑर्डर और हम खींच लेंगे। 2 hours later. So यार 6 से 9 अपनी ब्रेक होती है, 7 बजे आईडी लॉग इन की थी, 7:03 पर अपने को ऑर्डर आ गया, एक्सेप्ट ऑर्डर कर लेते हैं अपने। यार सिर्फ 6 ऑर्डर रह गए, सुबह से अभी तक क्या किया मैंने वो भी आप लोगों को बता दूं यार, लगभग जितने भी घंटे में 19 ऑर्डर डिलीवर करके 1087 की अपनी अर्निंग हो चुकी है, जिसमें 60 रुपये कस्टमर टिप है, 852 ऑर्डर अर्निंग है और 175 रुपये अपना ऑफर काउंट हो चुका है भाई। 5 ऑर्डर और चाहिए तो अपना भाई इंसेंटिव वगैरह आ जाएगा यार। चलते हैं ऑर्डर उठाने वाटर फ्रंट वाटर कार्ट करके कुछ यार रेस्टोरेंट है, मैं तो नाम भी भूल गया, मैं भी फर्स्ट टाइम उठाने जा रहा हूँ आज यार। सैटरडे है, 8:30 बजे के बाद रश खत्म हो जाएगा, मैं 8 बजे तक वेट करूंगा। अगर अपने 2 ऑर्डर निकल गए तो भाई मैं 10 से 11 बुक नहीं करूंगा, अगर अपना काम लगेगा कि फंस रहा है तो मैं 10 से 11 बुक जरूर कर लूंगा, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। आप लोगों को पता ही है कुछ मैं दिमागी खेल खेल देता हूँ, बस वही दिमागी खेल खेलना है मेरे को। चलो भाई एक तंदूरी चिकन फुल था पिक कर लिया मैंने, ये भाई राजगुरु नगर 3K की साइड बता रहा है, जो कि मेरे बिल्कुल सही एरिए में जाना है यार। यार मैं हर टाइम ना यही सोचता हूँ कि राजगुरु नगर भेज दे मेरे को यार, और आज भेज दिया यार राजगुरु नगर। चलो भाई ऑर्डर डिलीवर कर दिया, कस्टमर बहुत ज्यादा नाइस थे, मेरे आने से पहले ही बाहर खड़े थे। कितने रुपए मिले भाई? 63 मिले हैं, नॉट बैड। इधर से निकलते ही हैं यार, रुक करके वेट कर लिया, ऑर्डर नहीं मिल रहा तो भाई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज 5 ऑर्डर चाहिए 2.5 घंटे में, अगर एक आधा ऑर्डर लंबा फेंक दिया तो अपने सपनों पे पानी फिर जाएगा। रास्ते से कोई उठाएगा क्या, उठा ही लिया भाई। 33 रुपये का ऑर्डर आ रहा है, 15 रुपये टिप है इसमें भाई, आज 3रा ऑर्डर है टिप के साथ, नॉट बैड नॉट बैड। वापिस जाना पड़ेगा उठाने के लिए मेरे को, तो मल्टी ऑर्डर हो गया, ओके गॉट इट कर लेते हैं। एक ही रेस्टोरेंट से 2 ऑर्डर उठाने हैं, एक ही कस्टमर को देने होंगे। अरे मेरे भाई ये 2 ऑर्डर देखे अपने, 3 3 3 नहीं 2 ऑर्डर रह जाएंगे यार। आ भाई नहीं नहीं 3 ऑर्डर रह जाएंगे। एक को 7 मिनट हैं और दूसरे को कितने हैं, दूसरे को 12 मिनट है, वेट करनी पड़ेगी यार। सो यार दोनों ऑर्डर रेडी हो चुके हैं, इसमें भी 15 रुपये टिप शो कर रहा है, इसमें भी 15 रुपये टिप शो कर रहा है, मतलब दोनों ऑर्डर्स में 15-15 रुपये टिप है। 38-40 रुपये का ऑर्डर है, वही 70-75 रुपये का ऑर्डर बन जाएगा भाई। 2.7-2.8 किलोमीटर ड्रॉप करने जाना है, ऑर्डर रेडी मार्क हो गए लेकिन अभी ऑर्डर नहीं मिला अपने को। दोनों ऑर्डर इधर से पिक कर लेते हैं, पिक ऑर्डर इधर वाला भी कर लेते हैं, पिक ऑर्डर दोनों पिक आउट ऑफ दोनों भाई, दोनों ऑर्डरों में 15-15 रुपये टिप शो हो रही है। काश काश के सच हो ये बात, और जाना भी सही एरिया में है यार, प्रोफेसर कॉलोनी में जाना है। चलो भाई दोनों ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं एक एक करके, एक ऑर्डर डिलीवर, ये दूसरा ऑर्डर डिलीवर, दोनों का देखते हैं भाई अब मिला कितना है। 68 मतलब हाँ भाई 30 रुपये टिप मिली है, 38 अपना ऑर्डर पे हो गया। आज टिप सही से मिल गई यार, लगभग 4 ऑर्डरों में टिप मिली है, 30-30-15-15, गुड 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 डमन। यार ये बारबेक्यू नेशन वाला ना कभी कभी रात के टाइम 1-1 घंटा खराब कर देता है, बस अपना 1 घंटा खराब ना करे, जल्दी से जाकर देखते हैं ऑर्डर रेडी है नहीं है। रीच पिकअप, ऑर्डर रेडी नहीं है, चिकन टिक्का बोनलेस 8 पीस। इधर लगा लेते हैं भाई अपनी बाइक और जाना काम पर है, SBS नगर में जाना है यार, F ब्लॉक। सो यार ऑर्डर तो पिक कर लिया मैंने, है ना, तो यहाँ खड़े खड़े ना इन लोगों ने मल्टी भी कर दिया यार, अभी दूसरा ऑर्डर उठाने के लिए जाऊंगा यार। 220 मीटर का डिस्टेंस रह गया यार दूसरे ऑर्डर के लिए,
रावत फूड पॉइंट भाई बीआरएस नगर ई ब्लॉक वाली रोड पर है कहीं। दो ऑर्डर हो गए यार बैग में अपने, पिक ऑर्डर कर लेते हैं। ये जाना है सुनीत में, 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस शो कर रहा है यार, 62 रुपीज शो हुए थे मेरे को दोनों के, मिलते कितने हैं पहले इसको चले यार डिलीवर करने। यार ये तो अलग ही पंगा हो गया, कस्टमर कह रहा है कि मैंने तो कैंसिल कर दिया ऑर्डर, ये क्या दिक्कत हो गई। लाइव ऑर्डर हेल्प रावत फूड वाला ऑर्डर है ना, रिच स्पोर्ट गेट कॉल बैक, अब जाकर के ऑप्शन आया भाई, पहले ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा था भाई। ऑनलाइन पेड है तो कैंसिल कैसे कर दिए यार, भाई हमें क्या है, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा नो प्रॉब्लम। भाई एजेंट कौन सा मिल रहा है हमें यार, एक तो एजेंट भी नहीं मिल रहा, फाइंड हो रहा है एजेंट हेल्प के लिए, दूसरा ऑर्डर ठंडा हो रहा है, इधर अलग ही सीन नहीं चल रहा यार, अलग ही सीन नहीं चल रहा। अब आ रही है भाई कस्टमर के कॉल। हेलो, मेरी बात अमनदीप जी से हो रही है सर। जी मैम अमनदीप बोल रहा हूँ। कस्टमर की लोकेशन से संबंधित परेशानी फेस कर रहे हैं सर? नहीं मैम एक्चुअली मैं कस्टमर की लोकेशन पर खड़ा हूँ, मैंने उनको कॉल की, वो तो कह रहे हैं हमने तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जी सर आपका इशू ये है, कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, कस्टमर ऑर्डर लेने से मना कर रहे हैं, कोई कारण है सर उनका जो ऑर्डर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं? मैम वो कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, बट ऑर्डर उनकी मेरे पास तो शो हुआ ऑर्डर, मैं तो लेकर के आ गया, वो अभी ले नहीं रहे ऑर्डर। जी सर आपके इशू को समझ रहे हैं, सुविधा के लिए माफी चाहते हैं, निश्चिंत रहिए पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। जी मैम इसके मुताबिक कस्टमर को 4 बार कॉल करने के लिए आपके कॉल को होल्ड पर ले सकते हैं और आपकी कॉल उनसे मर्ज कर पाएंगे सर अगर नीड हो तो। नहीं बिल्कुल मैम बिल्कुल जी, उन लोगों ने अभी मेरी कॉल होल्ड पर रखी है, कस्टमर से बात करेंगे, ऑर्डर इधर कैंसिल वैंसिल करेंगे जो करना है। कस्टमर का कॉल नहीं लग रहा है सर, आप लोकेशन पर है, फोन पास होके बात हो पाएगी सर? नहीं मैम एक्चुअली मेरी भी उनसे कॉल पर ही बात हुई है, वो बाहर नहीं आए, ना ही उनका हाउस नंबर वगैरह मिल रहा है, मैं जस्ट जो लोकेशन लगी हुई थी वहाँ पर खड़ा हूँ, उनको कॉल की, वो कह रहे हैं कि हमने कैंसिल कर दिया था ऑर्डर। और मैम मेरे पास मल्टी ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर ठंडा भी हो रहा है, काफी टाइम हो गया मेरे को यहाँ पर खड़े हुए, लगभग 15 मिनट के करीब हो गया। जैसा कि चेक कर रहे हैं कस्टमर से फोन पास होकर भी बात नहीं हो पाएगी, कस्टमर कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर को हम कैंसिल कर रहे हैं। जी मैम जी, और डिलीवरी टाइम भी ओवर हो चुका है। हाँ जी मैम वेट करिएगा सर, ऑर्डर कैंसिल, वेट मैम लेट मी चेक। हाँ जी मैम हो गया, मैम हो गया, ठीक है जी, ऑर्डर कैंसिल हो गया है सर, कोई और सहायता आपको इस ऑर्डर में? नहीं मैम थैंक यू सो मच। चलो भाई ऑर्डर कैंसिल हो गया अपना, रिटर्न का भी नहीं पड़ा, मे भी रिटर्न का नहीं पड़ा तो क्या समझ सकते हैं, ऑर्डर अपना ये बॉय भाई अब क्या करें, कस्टमर ने खुद कहा है कि मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, तो भाई क्या करेंगे अब, घर जाकर के खाएंगे ऑर्डर, इधर रास्ता बंद है, रास्ता बंद है जी आगे निकल, ओके मेरे को लगा बंद है रास्ता, भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं ना, कई बार ऐसा रास्ता बंद भी होता है ना, पता नहीं लगता कई बार। दूसरा डिस्टेंस 3.7 किलोमीटर शो हो रहा है भाई साहब। चलो भाई ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया, पता नहीं वो ऑर्डर काउंट होगा नहीं होगा, पहले इसके देखें मिले कितने भाई, 62 समथिंग शो हुआ था, मे बी 74 रुपये मिले हैं, पहले वो देखें काउंट हुआ नहीं हुआ, हो गया भाई काउंट हो गया वो ऑर्डर। ए फ्यू मिनट्स लेटर, सो फाइनली यार अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और मैं घर में पहुंच चुका हूँ। एक्चुअली यार आप लोगों ने देखा था कि अपना एक ऑर्डर कैंसिल हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरे को कस्टमर केयर की कॉल आती है कि कस्टमर कह रहे हैं कि फूड दे दो, और मेरे को फूड डिलीवर करने के लिए बोलते हैं, मैं कस्टमर की लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर होता हूँ, लेकिन कस्टमर केयर वाले मेरे को फोर्स करते हैं कि आपको फूड डिलीवर करना पड़ेगा, जबकि वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका था। मैं साउथ सिटी से आगे फिर रहा था, मेरे को बीआरएस नगर के सुनीत में ऑर्डर डिलीवर करने के बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्डर पेड था, पहले कस्टमर ने बोल दिया कि मैंने कैंसिल कर दिया, बाद में कस्टमर का फोन आया कि मेरे बेटे ने दुबई से बैठ करके ऑर्डर किया है, मेरे को लगा कैंसिल कर दिया, लेकिन उसने पहले पैसे दे दिए, तो प्लीज आप मेरे को डिलीवर कर दीजिए। तो फिर भी मैंने सोचा यार उनके बेटे ने भेजा है, उनके लिए शायद कोई गिफ्ट वगैरह होगा, थोड़ा इमोशनल हो गया मैंने सोचा डिलीवर कर देंगे, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आपको कम से कम नहीं तो 10:15 तक वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 बजे से पहले मैं अपनी आईडी बंद नहीं कर सकता। तो 10 बजे मैंने अपना लास्ट ऑर्डर डिलीवर किया, उसके बाद वो ऑर्डर उनके घर जाकर उनको डिलीवर किया, कस्टमर काफी खुश हो गया,
और मेरे को दुआएं देने लगा कि अगर कोई और होता तुम्हारी जगह तो वो नहीं देने आता वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ सीन था, मैंने डिलीवर कर दिया और मैं घर में आ चुका हूँ। आज की जो अर्निंग हुई है अपनी वही है 27 ऑर्डर डिलीवर करके 1500 के करीब हो चुकी है, और जो पेट्रोल लगा अपना लगभग 250 रुपए के करीब लगा। पेट्रोल आज काफी कम लगा क्योंकि लंबे ऑर्डर बहुत कम मिल रहे थे, एक दो ऑर्डर इक्का दुक्का ऑर्डर मिले के हमें खाली वापस आना पड़ा, बाकी सारे ठीक ठाक ऑर्डर मिल रहे थे, उस वजह से पेट्रोल कम लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना कर लेना, मिलते हैं ऐसी